2014 की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तस्वीरों पर एक नजर डालिए। क्या जोश, क्या तेवर, क्या अंदाज, सब कुछ बेहद क्रांतिकारी और तूफानी। लेकिन 5 साल में लगता है कि आम आदमी पार्टी का सारा जोश ढीला पड़ गया। नरेंद्र मोदी को बनारस में हराने निकले अरविंद केजरीवाल इन दिनों अपनी हार बचाने के लिए कांग्रेस के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं, और एक कांग्रेस है जो कुछ कहती ही नहीं, सस्पेंस बनाकर रखती है। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, आम आदमी पार्टी की हालत ये हो गई है कि दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में उसके प्रत्याशी को प्रस्तावक तक नहीं मिल पाया और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर से श्वेता शर्मा को टिकट दिया था, नामांकन हुआ लेकिन प्रस्तावक नहीं मिला, इसलिए निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। आम आदमी पार्टी के लिए ये बात बेहद गंभीर है, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी का जनाधार ग्रेटर नोएडा और नोएडा में बढ़ा है। मोदी लहर के बावजूद 2014 में उनके प्रत्याशी को गौतम बुद्ध नगर से करीब 32,000 वोट मिले थे, और अब पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए एक प्रस्तावक का जुगाड़ तक नहीं कर पाई। जाहिर है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का बाजार भाव तेजी से गिरा है, शायद इतना कि इसका अंदाजा उन्हें ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।